निपुण व्यूवर्स, मैं हूँ मनाज अहमद, आई एम अ टीचर, और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर का, वीडियो नंबर 8। और आज जो मेरी वीडियो है वो विल और शैल के बारे में होगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, मुझे उम्मीद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द यूज़ ऑफ विल एंड शैल। विल शैल, वी यूज शैल एंड विल इन द सेंटेंसेस to express some action to be done in future. Normally we use shall with I and we, and will with he, she, it, you, they. Shall, ऐसे फिक्रे जिनमें गा, गे, गी का इस्तेमाल हो, अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते वक्त shall और will से किया जाता है। अंग्रेज़ी के ऐसे फिक्रे जो I या we से शुरू हो, इनके साथ shall लगाते हैं, बाकी तमाम फिक्रों के साथ ज़माना मुस्तकबिल के लिए विल लगाया जाता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव विल शैल के बाद नॉट लगाने से फिक्रा मनफी नेगेटिव बन जाता है। जबकि विल और शैल को फिक्रे के आगाज़ में लाएं तो फिक्रा सवालिया इंटरोगेटिव बन जाता है। सवालिया फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान यानी क्वेश्चन मार्क आता है। ये देखें, ये रहा क्वेश्चन मार्क, ये मैंने पहले वीडियो में बताया, उसमें भी गौर से देख लीजिएगा। चले अब मैं आप लोग को पढ़ के बताती हूँ, इसमें सारी होंगे विल शैल का यूज़ किस तरह किया जाता है, इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा और सिंपल सेंटेंस भी होगा। चले मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखिए, ये इंग्लिश में है और ये उर्दू में है। पढ़ के मैं बता देती हूँ आप लोग को, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं पढ़ूँगा, आई शैल रीड। मैं नहीं पढ़ूँगा, आई शैल नॉट रीड। क्या मैं पढ़ूँगा, शैल आई रीड। वो आएंगे, दे विल कम। वो नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम। क्या वो आएंगे, विल दे कम। वो खेलेगा, वो खेलेगी। He will play, she will play. He लड़कों के लिए मर्दों के लिए यूज़ करते हैं और she लड़कियों के लिए औरतों के लिए यूज़ करते हैं। वो नहीं खेलेगा, वो नहीं खेलेगी। He will not play, she will not play. क्या वो खेलेगा, क्या वो खेलेगी। Will he play, will she play. वो नहीं खेलेगा, वो नहीं खेलेगी। ही विल नॉट प्ले, शी विल नॉट प्ले। आई रिपीट, क्या वो खेलेगा, क्या वो खेलेगी। विल ही प्ले, शी सॉरी विल शी प्ले। आई रिपीट, क्या वो खेलेगा, क्या वो खेलेगी। विल ही प्ले, शी विल शी प्ले। विल शी प्ले, will she play। क्या वो खेलेगी। हम स्कूल जाएंगे, we shall go to school। हम स्कूल जाएंगे, we shall go to school। हम स्कूल नहीं जाएंगे, we shall not go to school। क्या हम स्कूल जाएंगे, shall we go to school। तुम ये किताब पढ़ोगे, तुम ये किताब पढ़ोगे। यू विल रीड दिस बुक, यू विल रीड दिस बुक। क्या तुम ये किताब पढ़ोगे, तुम ये किताब पढ़ोगे। यू विल रीड दिस बुक। तुम ये किताब नहीं पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड दिस बुक। क्या तुम ये किताब पढ़ोगे, Will you read this book? क्या तुम ये किताब पढ़ोगे, Will you read this book? ये हो गया इसमें shall, will कैसे use करते हैं, इसमें ये बताया गया है, और इसमें negative और interrogative भी sentences कैसे होते हैं ये भी बताया गया है, ठीक है। मुझे उम्मीद आप लोग को पसंद आएगा। एक दफ़ा मैं आप लोग को करीब से दिखा देती हूँ, ये देखिए।
इंग्लिश में है और ये उर्दू में है। विल और शैल के बारे में मैंने बताया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। शैल ऐसे फिक्रे जिनमें गा गे गी का इस्तेमाल हो। अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते वक्त शैल और विल से किया जाता है। अंग्रेज़ी के ऐसे फिक्रे जो आई या वी से शुरू हो, उनके साथ शैल लगाते हैं और बाकी तमाम फिक्रों के साथ ज़माना मुस्तकबिल के लिए विल लगाया जाता है। और जिस काम में श्योर हो, मुझे मस्ट ज़रूर करना, उसमें भी विल लगाते हैं। मुझे उम्मीद है व्यूवर्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और गर्मी मुझे लग रही है, पंखा नहीं चलाया है मैंने, इसलिए थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, तो उसके लिए माजरत। लेकिन मैंने सही सही बताया आप लोग को। और एंड में मैं ये कहती हूँ, लंच टाइम जब बच्चे पढ़ के बहुत थक जाएं तो एंड में मीठा खाइए ज़रूर। नमकीन भी खा ले लेकिन मीठा खाएं ज़रूर, पढ़ पढ़ के थक जाते हैं ना। ये आज मेरी ने मेरे लिए सभी बनाया है, ये देखें। कल नेशनल का खीर बनाया था और आज ये सभी बनाया, सवैया। और मैं आपको खा के दिखाती हूँ, ये तो खा लूँ। मीठा खाने से इंसान रिलैक्स हो जाता है और खुशी भी होती है। पढ़ने के बाद ज़रूर मीठा खाइए आप लोग, बहुत मज़े का है। और आप लोग भी पका पका के खाइए मीठा, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। और आखिर में एक छोटी सी बात होती है, अपना, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का और अपने पड़ोसियों का, जिसको जानते हैं जिसको नहीं भी जानते हैं उनका, सारे इंसानों का और सारे जानवरों का, स्पेशली बिल्लियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अपना ही बहुत सारा ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।